यार खालिद बुरा मत मानियो, तो दोनों ही पूरा गांव बहुत बुरा बतावे। मैं राक्षस प्रजाति के आखिरी दानव, मुझे ये बतला तेरी उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई थी। उत्पत्ति मतलब? मैं मेरा मतलब है दानव, तेरा जो जन्म है कौन से सन में हुआ, कौन से सन में तूने धरती का वजन बढ़ाया पैदा होके। 1980 में। मैं 1980 के दशक में 50 पैसे चलते थे, लेकिन आज के दौर में 50 पैसे की कोई वैल्यू ना। मेरी समझ में ये ना आ रहा, जब सरकार ने 50 पैसे को बैन कर दिया तो तू जाहिल को बैन क्यों ना कर रही है सरकार। अरे यार खालिद, कहाँ रही पैसान के? वाह भैया ये लगा ले, बस जल्दी करा दूंगा, टाइम दे जरा सा। कितना जरा सा? यही कोई 40-50 साल। अगर 2 दिन मैंने दिए ना तो पंचायत कराऊंगा मैं तेरे खिलाफ। साइकिल की चैन चढ़ना रही है, इस पर पंचायत करेगा, दिए खराब है, दानव है। और दानव तू जरा खड़ा हुई हो भाई, बहुत बोले है, तू भी है। 1980 से लेकर आज तक जितना अपना पेट बढ़ाया ना खालिद ने, अपनी पैदाश से लेकर आज तक अपना मान सम्मान बढ़ाया समाज के अंदर। चल कहां दिया हाथ झटक के इधर को, पहले सिगरेट को दे इसको, हराम की नारी पैसों की आती है। अब तो इकले गई तू, सच्चाई थोड़ी सुनी जाएगी तुझसे। रुक सारे, एक कप चाय पिलवा जरा, दिमाग को खागा जाहिल। भाई ज्ञान कोई भैंस दिवा, दूध न हो रहा हमारे तो। चाचा तुमने पहले ना बताई, परसों मैंने ही बेची बहुत जोर की भैंस ही, पर चलो बताऊंगा देख के कोई नजर में आएगी तो। तेने किसे दे दी अपनी? चाचा दही तो ही खाली दही, पर खाली तो पूरा मक्का है, तय तो ही 32,000 में और दिए 28,000। ऐसा क्यों है भाई, जब 32,000 में तय होगी तो 28,000 क्यों पकड़ा रहा? अरे ये तो 28 है, 32 दे पूरे। बहुत बढ़िया भैया ज्ञान है, तुम्हारी नियत में ना जरा भी सुधार। देखो पैसे तो मुझ पे और है ना, ज्यादा करोगे तो रोटी खिलवा दूंगा संग में चार। रोटी खाए पिए बैठा हूँ, पैसा पूरे कर मेरे। पैसे तो पूरे हो गए भैया ज्ञान, अब ना मुझ पे। कैसे पूरे हो गए, कैसे कर दिए पूरे? ये वाजिब सवाल करा तुमने भैया ज्ञान, ये मैं तुम्हें बतला दूंगा कैसे पूरे हुए। तुमने जो भैंस मुझे दी उसको नहलाया नहीं था, उसके ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई थी, अब उस गंदगी के निकालने के लिए उस पर 1500 रुपए के तो मैंने करे शैम्पू खर्च, 1000 रुपए की लगाई है तरह तरह की साबुन, और 500 रुपए की लाया भैया तौलिया जिससे उसके देही को रगड़ा, और 500 रुपए का लगा उस पर काला तेल, उसको मसल मसल का उसके रंग में निखार आया तब काली पड़ी है, वहां पूरे हो गए 4,000 रुपए तुम्हारे। बचाजा देख लो कितना मक्का आ रहा है खालिद। अजी वो तो पूरा खैर, पर मैं यूं बताऊं यहाँ पे इतना पैसा हाँ कौन सु रहे हो? ए चाचा बेगराज के लौंडा पर हाथ धर रखो है, बिकवा दिया वाको 400 गज का प्लॉट, 1,00,000 रुपया मारे हैं मासू। अच्छा जब भी लगो डोले वाकी गैल। चाचा तुम जानो नो या खालिद है याने जन कितने ने टोपी पहरा रखी है। अरे तो मेरे यार तू तो बेगराज धोरे उठे बैठे है, इशारो करवा अपने लौंडा सुधारेगो, अन्नी तो बर्बाद हो जाएंगे ससरे। चाचा जाऊंगा आज, समझाऊंगा करूंगा इशारो वक्त। बता फिर कैसे करनी है? और तुम मुझसे दिमाग मत मारा, जा अपने घर को। है ऐसा कैसे चलो जाऊं तो उसे बिन बूझे, बताओ पूरे 1,000 रुपए खर्च करके आया हूँ किराए भाड़े में, टेम्पो में लटक लटक के आयो। क्या बताऊं, बता तो दिया, मेरी फैमिली वालों ने मना कर दिया है, उन्होंने लड़का कहीं और देख लिया मेरे लिए। कहीं और क्यों देख लिया, हम नौ बॉय
हमें देख लेते हम बैंक का कोटे लग रहे हैं। तू कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, मुझसे भी हो गया तो कैसे रखेगा मुझे। ए तू रोटी तो खाती होएगी, यहाँ से पीछे भी रोटी खाएगी। हाँ सब रोटी खाते हैं। हाँ तो क्यों घबरा रही है, मैं 25 साल का हो लिया आज तक भूखा ना सोया अपने घर में, तो भी ना सोन दूंगा। अच्छा तो ये बता तेरे घर में कमाता कौन है। यो, 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 मेरे बाबा। और जब वो बूढ़े हो जाएंगे जब कौन कमाएगा। पर वे तो बूढ़े ही हैं। मेरा मतलब जब वो कमाने लायक नहीं रहेंगे तब कौन कमाएगा। यो, 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 यो। अच्छा जब जब मेर तू कमांगे। अच्छा जी कैसे। अभी जो है ना हमारे एक तो भैंस है और दो गाय हैं, जब बाबा सन्यास ले लेंगे ना और हम पे जिम्मेदारी आएगी तो मैं जो है ना 4 भैंस ले आऊंगा और दूध को राख कर लेंगे। मैं जो दूध वूध कढ़वा करूंगा तू न्यार फूस से माल लेकर लीजिए बस। चला जाए यहाँ से, कदी करवाओ भी भैया, जिससे मेरा ब्याह रहा ना इंजीनियर है वो और फ्लैटों में रहवे। हाँ तो रहवे तो फ्लैटन में देखेंगे, हम भी इंजीनियर दूध तो हम पे सुई लेगा निरा पानी पियांगो देख जाले। बकवास कर रही है, 1.5 साल से दिमाग खराब कर रखो, बॉयफ्रेंड तो तुम्हें चल जाएगा बेरोजगार, लोग तो मैं पढ़ा लिखा ही चाहिए, ड्यूटी लगाई चाहिए, इंजीनियर ही चाहिए, वाई दिन से मार रही ना छोले कुलचे ना पौनिक पटाख खवा दे कभी भटूरे खवा दे, हराम की माया आ रही है हम पे तो। बताऊंगा तेरे लोग देख सारी बात ताड़े, मैं भी चुगली लगाऊंगा देख तेरी। बाबा सही कह रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। चाचा तुम्हें बुढ़ापा आ गया, इस काम धंधे से सन्यास लोगे ना। अरे काम धंधे से सन्यास ले लेंगे तो खाएंगे कहाँ फिर डले। तेरे तो मजे आ रहे हैं ना, बढ़िया डीलिंग चल रही है तेरी। चाचा डीलिंग में मुझे एक काम बहुत बेहतरीन लगे, डीलिंग में पैसा ही पैसा, और सबसे अच्छी बात क्या ना तो तुम्हें मेहनत करनी है ना पैसा खर्च करना, बस दिमाग लगाना। हाँ दिमाग तो खैर तुम्हें पूरा। बस चाचा सब अल्लाह की फजल से चलना, सब अल्लाह ताला की रहमत है मुझ पे तो। लगाओ यार दे अब या सूखी चबाऊया। ए चाचा इसको सुलगाना ना, ये तो बस मैंने हवाबाजी के लिए रख रखी है, बाबली बात तो करो यार। देखना रहे हो क्या लिख रहा है इस पे, सिगरेट पीना जानलेवा हो सकता, हवाबाजी के लिए पीनी ना चाचा यार, मरना थोड़ी है, बाबली बात तो करे करो, ऐसे ही हवाबाजी करो सूखी यार। सिगरेट की गेल हवाबाजी, भाई खालिद बहुत जा रही है तेरी तो है, बुलेट और लेके आया हो आज तो, और दो दो कुर्सी भी गेल लिए डोले। चाचा पहले तो तुम्हें बुलेट का मसला बतलाता हूँ, देखो बुलेट जो है मेरी पर्सनैलिटी पे जमती है, और दूसरा चाचा हमारे अब्बू का सपना था बुलेट लेना,
पर अब्बू बुलेट नहीं ले पाए, उससे पहले ही उनका इंतकाल होगा। अब चाचा अब्बू के सपने को जी रहा हूँ मैं, इसलिए बुलेट लिए मैंने। यू तो बढ़िया सोच है भाई खालिद तेरी है, सपना तो हमारे पिताजी ने भी देखा है खालिद, पर हम जो वहाँ पूरा नहीं कर पाए। चाचा ऐसा क्या सपना देख लिया तुम्हारे पिताजी ने जिसे तुम पूरा ना कर पाए? खालिद कहा बताऊं, हमारे पिताजी खरीदना चाह रहे दरअसल हेलीकॉप्टर। चाचा तुम्हारी लंबाई चौड़ाई को देखकर लगना रहा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ा सपना देख लिया। सपने तो सब पूरे हो जा, हौसले बड़े होने चाहिए बस, भगवान अगले जन्म वो अंबानी का ही दीजो। अब तो सारी बात छोड़, इन कुर्सी ने कैसे लिए डोले है तू? ये वाजिब सवाल है चाचा तुम्हारा, तुम जैसे बुजुर्गों की वजह से लिए फिरता हूँ दो कुर्सी संग। अगर मैं बैठ जाऊंगा और तुम जैसे उम्र दराज खड़े रहोगे तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। अब्बू तुम ना बैठो, हाँ मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा। बेटे शाहरुख क्या बात हो गई, आप इस तरह पैदल क्यों आए हो भाई? अब्बू दाव में नेताजी आए, चाचा शरीफ बुला रहे हैं तुम्हें। चलो बेटे आप घर पहुँचो, हम आते हैं ना, चाचा चल रहे नेताजी से मिलना है यार, गाँव की कोई समस्या बतला देंगे अगर कोई बात बनेगी तो। लाओ 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 बस लगा खूट दो इधर को यार, सारी खत्म करोगे तुम, डालो इसमें डालो, फिर पिलवाऊंगा किसी दिन, चलो फटाफट आ जाओ है ना। अरे फावड़े तो धर, चल कून ले रहो फावड़े, चल हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप रोजाना की तरह ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, आपने वीडियो तो देख ही ली है, वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। अब थोड़ा दोस्तों कैमरा के पीछे की बात कर लेते हैं कि इनकी वीडियो कब आ रही है और किस टॉपिक पर आने वाली है। दोस्तों टॉपिक तो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी अमन भाई ने टाइटल रिवील नहीं किया है, पर सुनने में आ रहा है दोस्तों कि चाचा श्यामलाल के ऊपर होने वाली है वीडियो। वीडियो बहुत ही अच्छी और धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, वीडियो की शूटिंग चल रही है, वीडियो की शूटिंग कल ही निपटी है और वीडियो की एडिटिंग चल रही है। जैसे कि दोस्तों वीडियो की एडिटिंग हो जाएगी और थंबनेल बन जाएगा तो उसी के एक दो दिन बाद वीडियो अमन भाटी ऑफिशियल चैनल पर आ जाएगी। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए उस दिन ज़रूर तैयार रहिए दोस्तों, दो या तीन दिन में डेट आ जाएगी कि वीडियो किस दिन आ रही है। और मैं आपको बता दूं, अब के जो वीडियो आ रही है उसमें थोड़ी खालिद की और एक्टिंग अलग ऐड की गई है जिससे कि आपको और मज़ा आ सके और वीडियो अच्छी लग सके। और दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं चाचा श्यामलाल के बारे में कि दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जल्द ही चाचा श्यामलाल की शादी होने वाली है, ये लोगों को बहुत अच्छी लगेगी खुशखबरी सुनकर। और दोस्तों सुनने में आया है जब से ये बात चाचा श्यामलाल को पता चली है, मतलब कि मोहित भाटी को, वो भी बहुत खुश है कि मेरी शादी होने वाली है। और दोस्तों जो भी हमें नई अपडेट मिलती रहेंगी हम आपको वीडियो में देते रहेंगे। हमारी नई अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और दोस्तों कमेंट में ये भी बता देना कि आप कौन से शहर और कौन से क्षेत्र से हो जिससे कि हमें भी पता चल सके कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।